आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया नंबर 1 गर्ल्स कॉलेज के बारे में, जो है मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस में एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट कैसी है और फीस कितनी है, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एजुकेशन। दोस्तों, मिरांडा हाउस एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है। मिरांडा हाउस की स्थापना सन 1948 में की गई थी। मिरांडा हाउस को नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। दोस्तों, मिरांडा हाउस ऑल इंडिया नंबर 1 कॉलेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की 2019 एंड 2020 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिरांडा हाउस नंबर 1 पोजीशन पर आता है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कॉलेज कितना प्रेस्टीजियस है और यहाँ पर एडमिशन मिलना कितनी बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि मिरांडा हाउस में आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत ऑनर्स, बोटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी ऑनर्स जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको हिंदी, फिलोसफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी जैसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, मिरांडा हाउस में एडमिशन लेने का एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो क्राइटेरिया आपको DU ने सजेस्ट किया है, वही क्राइटेरिया आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए फुलफिल करना होगा, जिसमें बेसिकली आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब बात करते हैं कि आखिर मिरांडा में एडमिशन मिलेगा कैसे, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, मिरांडा हाउस में एडमिशन लेने का प्रोसेस DU के बाकी कॉलेजेस की तरह ही है। मैं आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के बारे में स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेप 1, आपको सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि अराउंड जुलाई आउट हो जाते हैं। स्टेप 2, फॉर्म फिल करने के बाद आपको कट ऑफ के आने का वेट करना होता है। ये कट ऑफ्स मेरिट लिस्ट होती हैं, जिसमें आपको परसेंटेज बताई गई होती हैं जो कि आपकी होनी चाहिए अगर आप उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। स्टेप 3, अब अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने कॉलेज जाना होता है। हालांकि दोस्तों, इस बार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप भी ऑनलाइन ही किया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। स्टेप 4, अब आपको आपकी कॉलेज फीस पे करनी होगी और उसके बाद आपका एडमिशन फाइनली कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। फीस भरने के बाद आपको एक बार फिजिकली कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। सो ये है ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप एक बार ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉलेज की फीस की। तो इस कॉलेज की फीस अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग है। अगर हम साइंस के कोर्सेज की बात करें तो इसकी एवरेज फीस 17,000 to 20,000 पर एनम है। वहीं अगर ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज की बात की जाए तो एवरेज फीस 14,000 to 16,000 पर एनम है। आप ये पूरी फीस की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली हर कोर्स की फीस देख सकते हैं। तो जिस हिसाब से कॉलेज की फैसिलिटीज हैं, उस हिसाब से ये फीस कुछ ज्यादा नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो है कॉलेज प्लेसमेंट। तो मिरांडा हाउस का एक अपना प्लेसमेंट सेल है जो कि काफी एक्टिव है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर काफी नामी कंपनीज आती हैं, जैसे जेनपैक्ट, HCL, HDFC बैंक, कैपिटल IQ जैसी काफी कंपनीज यहाँ पर आती हैं। अगर एवरेज पैकेज की बात की जाए तो ये अराउंड 3 to 5 lakh रुपीज पर एनम है। बाकी आपकी प्लेसमेंट आपके कोर्स एंड आपकी स्किल्स पर भी डिपेंड करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर की जाती हैं। दोस्तों, मिरांडा हाउस की सोसाइटीज भी काफी एक्टिव हैं। यहाँ पर आपको डांस सोसाइटी,
म्यूजिक सोसाइटी, एनवायरमेंट सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, फोटोग्राफी, इनएक्टर्स, ड्रामेटिक्स, फाइन आर्ट्स, क्विज सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी जैसी कई सारी सोसाइटीज मिल जाएंगी जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करती हैं। यहाँ टाइम टू टाइम कई वर्कशॉप्स, सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते ही रहते हैं। इसके अलावा बात की जाए कॉलेज फेस्ट की, तो मिरांडा हाउस की एनुअल फेस्ट भी काफ़ी पॉपुलर है। ये पूरी 3 डे की फेस्ट होती है जिसमें कई सारी फन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं और एक स्टार नाइट भी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज कॉलेज में आकर परफॉर्म करते हैं। इस फेस्ट में जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, दर्शन रावल जैसे कई स्टार परफॉर्म कर चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, मिरांडा हाउस में कई बॉलीवुड मूवीज भी फिल्माई जा चुकी है। फुकरे, कबीर सिंह, स्पेशल 26, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जैसी मूवीज के कई सीन मिरांडा हाउस में फिल्माए गए हैं। दोस्तों अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज मिरांडा हाउस से पड़े हुए हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी लेकिन ये एलुमिनाई की लिस्ट काफी लंबी और शानदार है। मल्लिका शिराबत, मिनीषा लांबा, स्वरा भास्कर, शीला दीक्षित, नीति मोहन, मोनी रॉय, अनीता देसाई, मीरा नायर जैसी कई बड़ी हस्तियां मिरांडा कॉलेज से ही पास आउट है। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसे ही नहीं मिरांडा को नंबर 1 कॉलेज की उपाधि दी गई है। सो दोस्तों मिरांडा हाउस कॉलेज ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। यहाँ का कैंपस बहुत ही सुंदर है और आपको यहाँ पर आसानी से आराम से घूमती फिरती क्यूट सी कैट्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की क्राउड भी बहुत सही है, टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक सब बहुत ही वेल मैनर्ड एंड फ्रेंडली है। तो अगर आप भी मिरांडा हाउस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो अभी से जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इस कॉलेज की कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर कट ऑफ के मार्क्स देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मिरांडा के लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था कॉलेज रिव्यू ऑफ मिरांडा हाउस। आई होप आपको मिरांडा हाउस और ये वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने मिरांडा के अलावा भी और भी कई सारे कॉलेजेस का रिव्यू किया है जिसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो कि चैनल पर अवेलेबल है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर एक बार ये प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। आप नेक्स्ट कौन कौन से कॉलेजेस पर मेरा रिव्यू चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर कोई डाउट है तो भी नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।